एक हिस्टोरिकल नंबर्स जो इस फिल्म के आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो फिल्म देख रहे हैं, उसके लिए हम पूरे देश का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये फिल्म लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसका विषय इतना सेंसिटिव और इतना इम्पॉर्टेंट है। तो लोगों का इस तरीके से इस फिल्म से जुड़ना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस फिल्म में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस फिल्म के बारे में बात की, और भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस फिल्म के बारे में बात की, और इस विषय को नेशनल सब्जेक्ट के रूप में लोगों के सामने रखा। चाहे कुछ लोगों ने विरोध किया हो, चाहे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया हो, पर इस विषय को अब एक नेशनल लेवल पे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज एक बहुत सेंसिटिव इश्यू पे हम बात करना चाह रहे थे। तमिलनाडु में एक इंडिविजुअल इंसान, वो धमकी देके उसने वहाँ की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को हिला के इस पिक्चर को वहाँ रिलीज़ होने से रोका है। हमें इतने सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमें फ़िल्म देखनी है, पर वो तमिलनाडु में देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक इंसान ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को धमकी देके कंट्रोल किया हुआ है। मैं तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट वो सख्त से सख्त कदम इमीडिएटली लें और इस फिल्म को कल सुबह वहाँ रिलीज़ किया जाए। चेन्नई हाईकोर्ट ने, कुछ लोगों ने पिटीशन की थी इस फिल्म को रोकने की, उसको चेन्नई हाईकोर्ट ने भी खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार एप्लीकेशंस को खारिज किया है। केरल हाईकोर्ट ने 12 पिटीशनें आई थी, उनको भी उन्होंने हमारी फिल्म पे बैन नहीं लगाया है। तो अगर 2 ऑनरेबल हाईकोर्ट्स और 1 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद सिर्फ एक इंसान धमकी दे और पूरी स्टेट की मशीनरी उसके सामने झुक जाए, ना पुलिस उन थिएटरों को प्रोटेक्शन दे या ना गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो डेमोक्रेसी के बहुत फेवर में आर्ग्यूमेंट करने वाले जो लोग हैं, उन सब से कि इस फिल्म को बिना किसी डिसरप्शन के चेन्नई, तमिलनाडु, पूरे स्टेट और पौंडीचेरी में रिलीज़ करने दिया जाए। हमारे मल्टीप्लेक्स के जितने भी ओनर्स हैं, थिएटर ओनर्स हैं, वो बहुत चाहते हैं इस फिल्म को लोगों को दिखाना, बिकॉज उनके पास इतनी ज़्यादा इंक्वायरीज हैं, लोग इतना देखना चाह रहे हैं। तो सिर्फ एक आदमी की वजह से ये फिल्म वहाँ नहीं चल रही है, ये मुझे लगता है कि पूरे स्टेट को इस बारे में विचार करना चाहिए, डीएमके और कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि क्या उनकी गवर्नमेंट एक आदमी को कंट्रोल करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल वी हैव टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। अब आप जो पूछना चाहें। I am requesting the government to make sure that the film. I just want to request the government to make sure that the film is released, since honorable court has already given the order. After that, it becomes state's responsibility to ensure a smooth and fair release of the film. Let people decide if they don't want to see it. But this is a completely unacceptable situation. सर, कुछ दिन पहले पठान का भी ऐसे ही हुआ था। अहमदाबाद और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में उसको रिलीज करने से मना किया गया था, और मतलब थिएटर में भी काफी तोड़फोड़ की जा रिलीज करने की बात की जाए तो, मतलब तो आप क्या कहेंगे ऐसे सब सब्जेक्ट्स पे जो फिल्म बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर थे इस चीज के लिए कि ये सब सब्जेक्ट्स के ऊपर जो फिल्म बनाएंगे तो ये चीज होनी है, प्रोटेस्ट होनी है?
देखिए ऐसा है कि हमारी फिल्म एक एक बहुत ही गंभीर सामाजिक विषय पे बनी हुई फिल्म है और इसीलिए कुछ पॉलिटिकल विरोध भी होता है, कुछ प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत भी विरोध होता है और विरोध करने का हक सबको है। सब लोग कोर्ट में गए, हमारे अगेंस्ट 15 केस हुए, तो उन सब का वो हक है अंडर द डेमोक्रेटिक रूल, सबको हक है कि वो अपना विरोध जाहिर करें। बट एक बार जब हमारी कोर्ट्स ने ऑर्डर दे दिया उसके बाद फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देना, ये स्टेट को सोचना चाहिए कि क्या ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात है। But law and order is the issue that has been stated because of which it's not being released. That's what the states are saying. What is the law and order state? So there are. What is the law and order situation that four people are coming and going, some tearing some poster? No, ma'am. I beg to differ from you because before coming here, I was going through all the report. There is no official statement from the state government. It was unofficially been told by to the. Multiplex owner that your film will not be played here, money will be refunded. So our appeal to government is either they say we will not let the film run here in Tamil Nadu or say we will ensure the normal screening of the film, because it is our right now, it is the right of the people of Tamil Nadu to watch the film. Sir, केरला की कहानी है और अगर केरला में ना रिलीज हो तो कहीं ना कहीं सर ऑब्वियसली यू नो इसका जो मकसद है और फिल्म बाय द वे फिल्म केरला में सक्सेसफुली चल रही है और अगले वीक में बुधवार या गुरुवार को हम मलयालम में डब करके ये फिल्म केरला में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केरला में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए ये ज़्यादा ताज्जुब की बात है कि केरला में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों ने फिल्म देखी है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और तमिलनाडु में एक इंसान ने पूरे स्टेट को और स्टेट की गवर्नमेंट को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। सर और कौन-कौन सी भाषाओं में आप डब करने का सोचते हैं? ये फिल्म तमिल में डब होगी, तेलुगु में डब होगी और मलयालम में डब होगी। सुनते हैं आप पसंद कर रहे हैं लेकिन ऐसे ही मैं कुछ लोगों से प्रॉपर करना फिल्म भी कह रहे हैं तो उनके लिए क्या जवाब है? अब हम क्या कहें, जवाब तो लोगों ने दे दिया, नंबर्स आपके सामने हैं, वीकेंड के तो है ही हैं, आज के नंबर्स आप खुद चेक कर लीजिए। फ्राइडे से ज़्यादा कलेक्शन आज 3 बजे तक जब हम ट्रैक कर रहे थे तो फ्राइडे से कम 20-30% कलेक्शन ज़्यादा है, जबकि मंडे टिकट के रेट्स कम होते हैं। फ्राइडे के मुकाबले मंडे टिकट की प्राइस कम होती है, उसके बावजूद कलेक्शन में अगर 20-30% जंप है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम फ्राइडे के मुकाबले 40-45% लोग ज़्यादा इस फिल्म को आज देख रहे हैं। तो ये लोगों का जवाब है, ये प्रोपोगेंडा फिल्म होती तो लोग इसे उठा के बाहर फेंक देते। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास 2 टेस्टिमनी हैं, वो टेस्टिमनी देखेंगे तो आप हंस पड़ेंगे। एक लड़का ने हमारी को प्रोड्यूसर अश्विन को पिछले 2 महीने से गाली दे रहे थे, जब से हमारी टीज़र रिलीज हुई, गाली मतलब बहुत ही बुरे शब्द में गाली दे रहे थे। कल उस लड़के ने लिखा, मैंने आपका फिल्म देखा, मैं पब्लिकली माफ़ी मांगता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ। एंड सेम ऑलमोस्ट इन द सिमिलर लैंग्वेज आई ऑल्सो गॉट अ मैसेज। सो अगर आपको आपके पास वो गुंजाइश है दिखाने का तो आप वो दोनों टेस्टिमोनियल हमसे ले लेना और पता चल जाएगा जिन्होंने विरोध कर रहे थे वो आज हमारी फिल्म देखने के बाद वो विरोध के रास्ते से हट गए। आज के तारीख में सिर्फ वही लोग विरोध कर रहे हैं जो फिल्म देखे नहीं। I just told you that the two guys from two different places apologized to my co-producer and me, saying that we were abusing you, we beg your pardon because I saw the film. So they are from that community you are trying to say. But and the kind of reaction we are getting, if you go through our Instagram and Twitter pages, you will see almost half of the comments are from that community who are
after watching the film, they are saying, yes, this should be, this story was supposed to be said long back, and they are thanking us to tell this story. Yes. Yes, there are four Kerala girls right now, they are in the same jail. There has been facts that has been shown at the end of the film, 13,000 years. Just tell us about uske baare mein kaafi zyada controversy ho rahi hai. Kya kuch kehna chahenge aap? Kitna sahi hai ya change hua hai? Main inki jawab de dun. Yes sir. Jo 32,000 leke jo behas chhedi thi, wo behas aajkal koi nahi kar raha hai. क्योंकि उन्होंने फिल्म देख चुके हैं, देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये 32,000 बहस वाली नंबर है नहीं. स्टिल हमने जो लास्ट में जो एक 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 डिस्क्लेमर डाला, उसमें बड़ी क्लियर शब्द में लिखा था कि हमारे पास भी जो नंबर था वो 32,000 भी हो सकता था, 32,000 से 10 कम या 10 ज़्यादा हो सकता था, लेकिन हम इंश्योर करना चाहते थे क्योंकि हम 7 साल से नंबर जोड़ते गए. जितने दिन से हम लोग रिसर्च कर रहे थे अलग अलग जगह से अलग अलग, जैसे 2015 में केरल की दो कन्वर्शन सेंटर का रिपोर्ट आया कि 900 ऑफिशियली कन्वर्ट हुए. वो केरल हाईकोर्ट का ऑर्डर. अच्छा, तो मैं उस टॉपिक पे नहीं जाते हुए वहाँ पे एक हमने एक डिस्क्लेमर डाला कि हमने RTI डाले थे टू गेट द कन्फर्मेशन. वो कन्फर्मेशन को जवाब में RTI की जवाब में हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया था कि वहाँ से वो नंबर मिलेगा, लेकिन वो वेबसाइट का एड्रेस गलत था. और दूसरी हमने मांगा था कि हर पुलिस स्टेशन वाइज कितने लड़कियाँ पिछले 10 साल में गायब हो गई, कितने लड़कियाँ को वापस लाया गया, कितनी ऑफिशियल कन्वर्शन हुई, इसके नंबर मांगे थे. तो हमें बोला गया था 15 दिन में अंदर आपको मिल जाएगा, शायद वो 6 महीना हो गया अभी तक मिले नहीं. सी बात नंबर की रही नहीं है. आपने जितने भी लोग फिल्म देख के आ रहे हैं और जो ट्वीट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्या कोई भी नंबर की बात कर रहा है? लोगों को यह पता चल चुका है कि नंबर पे उलझाने की एक कोशिश थी ताकि जो मेन मुद्दा है वो साइड पे रह जाए और हमको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, इस मुद्दे को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए. लेकिन आज इस देश में लोग समझ चुके हैं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और इस इशू पे अब सबको बात करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा. तो मेरे हिसाब से नंबर वाली बहस अब ख़त्म हो चुकी है. अब आप लोगों से पूछिए कि फिल्म देख के उनको क्या लगा. बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जो है जेपी नड्डा जी ने फिल्म देखी, जिसकी अपोजिशन पार्टी खासकर CPM का कहना है कि ये फिल्म पूरी तरह से बीजेपी का स्पॉन्सर किया. तो अगर CPM के कोई लीडर ये फिल्म देखेंगे तो ये CPM स्पॉन्सर हो जाएगी क्या? एक फिल्म बनी है और इस देश में थिएटर में जाके किसी को भी फिल्म देखने का पूरा अधिकार है. हम शुक्रगुजार हैं कि JP नड्डा जी ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के हमारी फिल्म देखी और देखने के बाद उन्होंने इस फिल्म की तारीफ भी की. अगर किसी को लगता है कि कोई इंसान फिल्म देख ही नहीं सकता क्योंकि वो एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये उनकी सोच हो सकती है. लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि ऐसा कहना कि उन्होंने फिल्म क्यों देखी या उन्होंने देख ली तो इसका मतलब ये हुआ कि हम BJP के प्रोपोगंडा की फिल्म बना रहे हैं. So what do you have to tell all those people, all those critics who've been calling this false and fake narrative? Again I'm saying that forget about what we will say. The audience has given their answers to them every single day. The number has just gone up and up. The more and more people, you please see the videos of people who are watching the film. There is clapping at the end. There is sloganeering at the end. Kal Galaxy Theater Bandra mein raat ko jo 6 baje ka show tha, uske baad 9 baje nare lage hain ki Shalini tum aage badho, hum tumhare saath hain. Wo videos hain, YouTube pe available hain. 9 baje ke show ke baad raat ko nare lage ki Shalini tum badla lo. तो अब ये फेक है नहीं है, ये डिबेट का जवाब, ये ऑडियंस का इमोशन, ये ऑडियंस के नारे. आपने बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि जो लड़कियां फिल्म देख के बाहर आ रही हैं वो रो रही हैं, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल. गोरेगांव में एक वीडियो था, वन मदर हुज डॉटर हैज सफर्ड अ सिमिलर सिचुएशन, वो इतनी स्ट्रेस हो गई कि फिल्म को 10 मिनट रोक के उनको तसल्ली दी गई और फिर उन्होंने फिल्म कंटिन्यू की. और ऐसे वीडियोस और ऐसे मैसेजेस हम
सारे को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इट्स लाइक अ सी ऑफ मैसेजेस। तो इसके बाद अगर कोई बोलना चाहता है कि फेक है जो है, गुड लक टू देम, आंसर द ऑडियंस एंड आप लोगों को एक कहानी बताओ। कल सुना मैंने ये कहानी, एक कपल गए थे फिल्म देखने, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बैठ के फिल्म देख रहे थे, गर्लफ्रेंड की बगल में और एक लेडी थी, एक दूसरे को जानती नहीं थी। तो जब बीच में जब बहुत इंटेंस सीन आते हैं, मुझे आशा है कि आप सब ने फिल्म देखा होगा, तो उसकी बॉयफ्रेंड को नज़र आता है कि ये दोनों गाल जो एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों रो रहे और हाथ पकड़ के बैठी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की इमोशन, इस तरह की आंसू कोई फेक कर सकता है। अगर आपका कहना ये है कि किसी भी फिल्म के साथ कोई कंट्रोवर्सी कर दो इसलिए वो हिट हो जाएगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली किसी भी फिल्म के साथ आप खुद ट्राई करके देख लें। हम ऐसी बातें करके हम इस मुद्दे को, इस फिल्म की क्वालिटी को और लोगों की अकल को छोटा कर रहे हैं। हमें इनसे बचना चाहिए, हमें लोगों के इस रिएक्शन की इज्जत करनी चाहिए और लोगों के इस रिएक्शन को हमें सर आँखों पर बिठाना चाहिए। दैट्स ऑल। आप स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से, अगर वो आपका नहीं सुनते तो आगे आपका क्या रवैया रहेगा? जो भी लीगली पॉसिबल होगा, हम तो लीगल ही रास्ते पे चलेंगे जैसे हम आज तक चले हैं। हम लीगल दायरे को छोड़ के कोई काम करेंगे नहीं, तो लीगली जो पॉसिबल होगा वो हम करेंगे और एंड तक लड़ेंगे। और ये देश देखेगा कि इस देश में क्या एक इंसान पूरी स्टेट गवर्नमेंट को डरा धमका के या जो भी उसके तरीके हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट ये होने देगी, ये देश देखेगा। There is one small development. Mamata Banerjee has directed Chief Secretary of Bengal Government to ban Kerala story in Bengal. So there is a possibility that may happen. Again, if that is what she has done, then we will again take a legal action. Whatever is possible under the provisions of law, we will fight that. Distributor से या वो कैसे लेंगे? हम इस वक्त प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म देखें, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट पर्सन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो हम हमारे जो लीगली जो पॉसिबल है वो हर रास्ता हम अख्तियार करें। सॉरी, एक सेकंड। हाँ बट सर, आपको क्या लगता है अपोनेंट पार्टी इतना क्यों इन्वॉल्व हो रही है सभी जगहों पे, अगर हम कलकत्ता की बात करें या फिर कई और? बेसिकली पॉलिटिक्स हर्ट सिनेमा और दैट्स इट, बिकॉज़ पॉलिटिक्स इज हर्टिंग सिनेमा। नहीं, दोनों क्वेश्चन थोड़ा अलग है। नहीं, मैं ये वो क्यों ऐसा कर रहे हैं उनका जवाब आपको उनसे मांगना चाहिए, मुझसे नहीं। नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो हमारे नहीं, मुझे क्या लगता है, मैं हाउ कैन आई प्रिडिक्ट के व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज थिंकिंग टुडे, वो तो उन्हीं को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर एक गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि हम ये फिल्म को बैन करेंगे, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों उनको लगता है कि ये फिल्म बैन करनी चाहिए आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियर्ड द फिल्म, नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जवाब आप उनसे मांगिए, ये मेरी आपसे गुजारिश रही। फिल्म पद्मावत और उड़ता पंजाब भी विवाद में रही थी, लेकिन उस समय इंडस्ट्री बॉलीवुड ने इन फिल्मों को सपोर्ट किया था, बट जब कश्मीर फाइल्स आती है और जैसे आपकी फिल्म आई है, क्या बॉलीवुड की तरफ से आपको वो सपोर्ट जो जैसा पद्मावत और उड़ता पंजाब को मिला, वो सपोर्ट मिला है? देखिए, मेरे मैं खुद जितने भी मेरे सपोर्टर दोस्त यार जो भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैं खुद उनसे कहता हूं कि आप इस विवाद में मत पड़िए, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी लोगों को एक बॉलीवुड से कुछ तकलीफ है, तो जो भी इसको सपोर्ट करेगा फिर उनके साथ भी कुछ ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। मेरे बहुत मना करने के बावजूद विद्युत जामवाल ने मेरा ट्रेलर शेयर किया, और मैंने मना किया था कि विद्युत मत करना, और उसके बाद विद्युत को बहुत ट्रोलिंग करना शुरू हुई, उतना ही प्यार भी मिला, लेकिन एक ट्रोल आर्मी है जो इस फिल्म को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, और ऑडियंस जो है वो उसका जवाब दिन ब दिन दे रही है।
नहीं, हमें सपोर्ट भी मिला आज, आज शबाना मुझे एक सवाल, किसी ने आरोप लगाया है कि उसको टिकट भी नहीं दी गई और जब उसने पैसा भरा तो उसको टिकट नहीं दी गई है, टिकट नहीं दी गई, हम क्यों नहीं देंगे। और दूसरा सर ये भी आरोप है कि ट्रेलर में बात कही गई थी 32,000 लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, जब लेकिन ट्रेलर रिलीज, मैम अभी फिल्म आ गई, लेट्स मूव ऑन। विपुल जी एक सेकंड, एक सेकंड, जैसे कि पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगाने की बात हो रही है, ममता बनर्जी ने ये स्टेप उठाया है, आपको क्या लगता है कि जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां उन सरकारों द्वारा टारगेट किया जा रहा है आपकी फिल्म को, ऐसा लगता है आपको? जहां जहां सरकार नहीं है बीजेपी की, अपोजिशन पार्टी है, वो सब चूंकि वो लोग नहीं देखे, इस देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और वहां पे ये फिल्म बिना रोक टोक चल ही रही है। फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, केरला में ही बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है और केरल में फिल्म चल रही है, तो राजस्थान में चल रही है, मतलब छत्तीसगढ़ में चल रही है, कहां-कहां टैक्स भी होने वाली है, हम कैसे बताएं कि कौन सी। हाँ लेकिन हमारी फिल्म मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री हुई है और उसके लिए हम शिवराज सिंह जी और उनकी गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। ये लोगों को और प्रोत्साहित करेगा कि बड़े नंबरों में जाके लोग फिल्म देखें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें। अब उसका ज़रिया टैक्स फ्री है या नहीं है ये हमारा विषय नहीं है, टैक्स फ्री होती है तो लोगों को अच्छा ही लगता है, एक सरकार की ओर से एक एंडोर्समेंट होता है कि आपकी फिल्म में कोई ऐसा गुण है, ताकि सरकार भी बोल रही है कि हम अपना टैक्स छोड़ के भी लोगों को बोल रहे हैं कि आप कम पैसों में जाके पिक्चर देखिए, वो बेनिफिट गवर्नमेंट भी उनको देना चाहती है। तो हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स और नॉन बीजेपी स्टेट्स भी इसको टैक्स फ्री करें और लोगों को दिखाएं ये फिल्म, दैट इज़ ऑल दैट वी वांट। सर आपकी कंपनी सिर्फ केरला पृष्ठभूमि है, लेकिन क्या देश के कई हिस्सों में ये हादसा हो रहा है, भैया मैं अगर किसी और प्रांत की कहानी बनाऊंगा तो उसे केरला स्टोरी तो कह नहीं पाऊंगा। तो देखिए हमने जो विषय रखना था वो लोगों के सामने आ गया, अब क्या कोई ऐसी और कहानी है जो कुछ ऐसे नए पहलुओं पे ध्यान आकर्षित करती है तब सोचेंगे, अदरवाइज ये कहानी एक पूरी तरीके से उस पूरे रैकेट को कम्प्लीटली एक्सपोज करती है, तो ये सब्जेक्ट अब लोगों के सामने आ चुका है। को लेकर एक सवाल उठ रहा है, देख रहे हम 2024 की इलेक्शन पास में है, कर्नाटका में इलेक्शन, तो अपोजिशन वो टाइमिंग बता रहे थे, टाइमिंग गलत था ये मूवी लाने का, कश्मीर फाइल्स हमने देखा, तो एक क्रिटिसिज्म आपको लगता है कि चल रहा है आपके देखिए बहुत में कि एक ही धर्म के, देखिए सबसे आसान चीज़ होती है टाइमिंग को सवाल खड़ा कर दो। अभी इस बार हम 3 साल पहले जब हमने फिल्म बनाना शुरू किया था तब हमने थोड़ी ना सोचा था कि हम जब बनाएंगे तब कर्नाटका का इलेक्शन होगा और हम तब फिल्म को रिलीज़ करेंगे, तो ऐसा लॉजिक जोड़ना बेवकूफ़ी की बात है। दूसरी बात, इस देश में इस साल में 9 इलेक्शन है, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बाद 3-4-5 स्टेट के और इलेक्शन आएंगे, फिर अभी यूपी का निकाय इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन तो इस देश में कभी रुकते ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसी फिल्में कभी लाओ ही मत, क्योंकि आप जब ले आओगे तब लोग बोलेंगे कि टाइमिंग, और टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है या मुद्दा इम्पॉर्टेंट है, सवाल गहराई से सोचने का ये है कि मुद्दे पे ध्यान देते हैं, टाइमिंग और ये सब बहुत ही भटकाने वाले जो सवाल होते हैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए इसका जवाब देने हम नहीं दे सकते, हमने एक मुद्दा देखा, हमने उठाया और अब ये मुद्दा देश के सामने है और इस पर बहुत डिबेट होगा, तो हर डिबेट के अंदर से कोई ना कोई हल निकलेगा। नहीं, आप लोगों की तरह हमारी जिम्मेदारी भी वैसे ही है, आप जैसे कोई मुद्दे को उठाते हैं उसको रिसर्च करते हैं और लोगों के सामने, सरकार के सामने मुद्दे रखते हैं, हम फिल्म मेकर का हालत भी वही है, हम भी रिसर्च करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, फिल्म बना के उनको दे देते हैं,
ये उनकी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर रिएक्ट करें। विपुल जी आप क्या ममता बनेंगे? कृष्णा ने उन्होंने ऐसा क्लेम किया है, हमारे पास व्हाट्सएप चैट भी है, क्रेडिट एंड पैसा नहीं दिया गया लोगों को। कौन है ये? ये ओरिजिनल राइटर यदु बेजी कृष्णा जी का आरोप है कि उन्होंने क्रेडिट और पैसे नहीं दिए हमें। हम उनसे कोर्ट में अलग से बात कर लेंगे, उनका टर्मिनेशन लेटर भी है हमारे पास, और वो एक बहुत ही फेल्ड राइटर थे, इसलिए उनको शुरू होने से पहले ही इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया था, और उनका सारे पैसे भी उनको मिल चुके हैं और सब राइटिंग में है। इसका ओरिजिनल लेटर मैं हूँ, ये मेरी सब्जेक्ट है, उसको कुछ दिन के लिए लिया गया था लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाए, डेढ़ साल पहले एक साल पहले उसको टर्मिनेट कर दिया। आपका मेन पर्पस क्या है? आप लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह कोई एक कॉन्ट्रोवर्सी बनाई जाए? क्योंकि हमारा ये पर्पस नहीं है। नहीं, आप जो सवाल पूछ रही हैं, आप ये पूछिए ना कि ये वीकेंड में इतने लोगों ने फिल्म देखी, हम उनके बारे में बात करते हैं। द वीकेंड विल बी समवेयर अराउंड दैट। मंडे व्हाट इज द ट्रेंड शो इज मंडे? इट्स टू अर्ली अभी तो। सुजीत जी, विपुल जी और उसके लिए एक सब उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज़ ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट है एक कम्युनिटी को एड्रेस करता है, जो उसके अंदर ना कोई कम्युनिटी को नहीं, बिल्कुल भी गलत बात। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म के नाम पे लोगों को कंफ्यूज करके, चीट करके, कुछ जो वीकर वल्नरेबल सेक्शन है उनको एक लार्जर टेरर प्लान के हिस्सा बनाते हैं। हमारी फिल्म उनके लिए है, ये फिल्म कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, कोई स्टेट के खिलाफ नहीं है, कोई जियोग्राफिकल जोन के लिए नहीं है। लास्ट अब हम सवाल लेंगे दो और देन वी विल एंड इट। हमारी फिल्म, हमने 10 करोड़ बार कहा है, हम फिर कह देते हैं, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के अगेंस्ट हमारी फिल्म नहीं है। हमारी फिल्म टेररिज्म के अगेंस्ट है और उस पर हम पहले दिन से कायम है, आज भी कायम है। सो दिस मैटर शुड नाउ एंड। आप लोगों को भी ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज इट इज़ लाइक trying to instigate something which is not there. नहीं, और क्या है कि भाई साहब, आप एक पॉइंट क्या है कि हम लोग फिल्म मेकर हैं, आप फिल्म के बारे में बात करेंगे ना, मैं घंटों भर बात करूँगा, मतलब कुछ चले जाएंगे, मैं 3 घंटा 4 घंटा करूँगा। ये जो पॉलिटिकल सवाल है ना, हम प्रिपेयर नहीं है पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए थे। ये फिल्म 3 लड़की की कहानी है, एक लड़की जो अफगानिस्तान की जेल में है, एक लड़की जो खुदकुशी कर चुकी है, उनकी माँ बाप का इंटरव्यू हमने फिल्म की एंड में डाला, और एक लड़की जो अभी कहाँ है किसी को मालूम नहीं। ये तीनों लड़की की कहानी बोलने के लिए कोई पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों लड़की रियल है। ये तीनों लड़की को हमने फैब्रिकेट नहीं किया, हमने टेस्टिमनी डाला फिल्म में। इसके बाद जो आप लोगों की पॉलिटिकल सवाल है ना, दुख होता है इस बात की कि इस देश में लड़कियों का कीमत नहीं है, इस देश में पॉलिटिक्स का कीमत है। अगर 2-4 बात करके सुदीप्तो जी ये शब्द बोले थे, वो शब्द नहीं बोले थे, मतलब कुछ और हिस्सा है, ये ऐसे नहीं होता है। सिनेमा का बीइंग ए फिल्म मेकर, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टॉक अबाउट द सिनेमा, टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द फिल्म। आप बोलिए हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट कैसा लगा, हमारी फिल्म की कैमरा कैसे लगा, घंटों भर बात करेंगे। इसकी जवाब मैं देता हूँ, सेम ये प्रॉब्लम इंडिया का नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे दुनिया का है। ये यूरोप से लड़कियां जा रही है, अब जाते थे आईसिस में, अमेरिका से जाते थे, यूके से जाते थे, वहां पे टेरर नेटवर्क अलग था, वहाँ पे एक गवर्नमेंट में अपोजिशन में सरकार में एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, क्योंकि उनको मालूम था ये टेरर नेटवर्क एक कॉमन एनिमी है उस पर्टिकुलर देश के लिए। हमारी देश की दुर्भाग्य ये है कि अगर मैं गरीब को रोटी खिलाने जाऊँ तो और बोलेगा जरूर इसका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है, वो गरीब को क्यों रोटी खिला रहा है। मैं टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आपने आपको कोई पॉलिटिक्स दिखे तो एज अ फिल्म मेकर माई आंसर विल बी नो कमेंट्स। तो पॉलिटिक्स, हमारा काम फिल्म बनाना है, पॉलिटिशियंस को अपना पॉलिटिक्स करना है, लेट्स लीव द बोथ ऑफ देम सेपरेट। आई डोंट वॉन्ट टू इवन कॉमेंट ऑन इट, बिकॉज आई फील
कि पॉलिटिक्स जितना भी जिसको पॉलिटिक्स करना है वो उनका हक है वो करें, फाइनल जवाब हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस देती है जो दे रही है। विपुल जी एक फिल्म मेकर है मराठी केदार शिंदे, उनका कहना है कि बीजेपी जो है महाराष्ट्र में फ्री में द केरल स्टोरी बहुत लोगों को दिखा रही है, आज भी एक मलाड़ में शो रखा गया है, जबकि मराठी में एक फिल्म आई है महाराष्ट्र शहीद, नेताओं को उसके बारे में याद नहीं है, तो यहाँ भी उसको भी लेकर पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन somebody's कॉमेंट, मैं हर कॉमेंट के ऊपर कॉमेंट करूंगा तो 3 साल तो सिर्फ कॉमेंट पे कॉमेंट चलेगा, सो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू कॉमेंट एंड वेरीफाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।